हेलो एवरीवन, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज स्विंग, एंड वी विल सी कि क्या एडवांटेज रहता है स्विंग, और जो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था दैट इज AWT, एंड वी विल डू सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ स्विंग लेटर ऑन टू क्रॉस चेक व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्विंग और अदर यू नो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट आर प्रोवाइडेड बाई AWT। ठीक है, तो अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब भाई स्विंग की क्या जरूरत पड़ी हमें, ठीक है, और क्या डिफरेंस रहता है बिटवीन स्विंग एंड AWT। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो स्विंग है इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ JFC, विच स्टैंड फॉर जावा फाउंडेशन क्लास। स्विंग इट ब्लॉक स्टैंड फॉर जावा फाउंडेशन क्लासेस। दिस JFC वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा इन 1997। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार ये 1997 में जावा में आया था। ये स्विंग जो है इट इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ यू नो ए प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स अस ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर अवर प्रोग्राम्स। जो डिफरेंस क्या रहता है, जो हमारे पास ऑलरेडी हमने देखा that in our programs if we want to add GUI based programs or you if to have programs that have look and feel of GUI graphical interface, then in that case हमने previous video में देखा that हमने add किए थे AWT abstractive window toolkit, उसमें फिर हमने देखा था frames कैसे add करते हैं, layouts वगैरह या menus वगैरह कैसे हम add करते हैं। similarly जो swing है it is also a tool जो हमें provide करता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हाउएवर दिस स्विंग इज फार मोर यू कैन से बेटर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड देन AWT इन प्रोवाइडिंग द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, बिकॉज ये जो हमारे पास स्विंग है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम AWT जो हमारे पास था उसके थ्रू अचीव नहीं कर पाते थे, बट स्विंग जो है इट मेड इट इजी एंड इट मेड इट ऑल्सो पॉसिबल कि वो चीजें भी हमारे पास अब प्रोग्राम्स में हो। ठीक है, तो वी कैन से स्विंग इज नथिंग बट इट इज सेट ऑफ क्लासेस, सेट ऑफ क्लासेस, एंड इफ इट इज अ सेट ऑफ क्लासेस देन इट मीन्स दैट वी कैन से इट इज सॉर्ट ऑफ अ पैकेज। ठीक है, तो स्विंग इज अ सेट ऑफ क्लासेस दैट प्रोवाइड अस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब इसमें स्विंग और जो इसके बाकी वाले हमारे पास जो AWT था इन केस ऑफ विद रेस्पेक्ट टू अगर हम AWT बात करेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस है दैट दिस स्विंग इज लाइट वेटेड। विल सी इन प्रोग्राम हाउ सिंपल इट इज, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है एज कंपेयर टू जैसे AWT में था हमारे पास। ठीक है, छोटे से प्रोग्राम लिखते हैं और वी कैन अचीव अ बेटर आउटपुट और GUI विद द हेल्प ऑफ दिस स्विंग। नंबर सेकंड इज इन केस ऑफ दिस स्विंग इट इज आल्सो अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस इन केस ऑफ AWT इट वाज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। जो भी हमारे पास अंडरलाइंग हार्डवेयर होता था या सॉफ्टवेयर या इवन हम उसको एग्जीक्यूट किसके थ्रू करते थे, ठीक है, इन दैट केस एप्लेट्स के थ्रू यूज करते थे, एग्जीक्यूट करते थे या फ्रेम्स के थ्रू, या इवन जब अगर एप्लेट्स हैं देन हम उसको जावा एनेबल्ड ब्राउजर के थ्रू एग्जीक्यूट करते थे या हम उसको एग्जीक्यूट करते थे यूजिंग एप्लेट व्यूअर। ऑन दोज बेसिस हमारा जो आउटपुट था वो हमारे पास वैरी होता था। ठीक है, बट इन केस ऑफ स्विंग अगर हमारे पास एक स्विंग का प्रोग्राम है, वट एवर मे बी द प्लेटफॉर्म अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म, हर एक प्लेटफॉर्म पे आउटपुट हमारा सेम ही रहेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। नंबर थ्री जो इसमें हमारे पास है इसको हम यूजुअली कहते हैं दैट इट इज प्लगेबल। प्लगेबल लुक एंड फील, प्लगेबल लुक एंड फील मींस दैट वी हैव मेनी चॉइसेस। अगर हमें किसी GUI को कोई लुक देना है, कोई फील देना है, देन वी कैन से दैट वी हैव मोर देन वन चॉइस टू अचीव दैट लुक एंड फील इन अवर प्रोग्राम। That's why it's called as pluggable look and feel. We can easily get or achieve that look and feel
एंड इन इवन इन दैट लुक एंड फील वी मे हैव सर्टेन वेरियस नंबर ऑफ चॉइसेस कि आप कैसे अचीव करना चाहते हो, कौन सा लुक एंड फील अचीव करना चाहते हो. नेक्स्ट वन इज दैट इट हैज मोर पावरफुल कंपोनेंट्स एज कंपेयर टू AWT. More powerful components. What does this mean? This means that there are certain components जो हमारे पास AWT available नहीं थे, but they are available over here in case of like for example हमारे पास कुछ components हैं, जैसे we have tabbed window or tabbed pan बोलते हैं उसको, which was not there in case of AWT. हमारे पास रहता है trees. A tree which was not there in case of AWT. We have color chooser so that we can choose a color which was not there in AWT. We have tables. Again, the tables were not in our AWT. And apart from that, we have image buttons that have a caption or their title. Or their look as an image, image buttons. जबकि AWT में हम खाली buttons या तो plain buttons रखते थे या उनको खाली कोई title देते थे with the help of some text. But here you will see कि हमारे पास कितने सारे tools हैं. इसके apart हमारे पास बहुत सारे और भी tools हैं, जो जैसे slider हैं. We may have another if we add, we have a slider which was not there in case of AWT. So that's why we tend to say that we have more powerful tools. In case of this swing, so these are some of the features जो हमारे पास इस swing को क्या करते हैं, swing को ज्यादा powerful, ज्यादा successful, ठीक है, ज्यादा usable बनाते हैं as compared to AWT, ठीक है. No doubt almost rest of the things जो है उसने swing ने AWT से ही ली है, लेकिन उनको modify करके और easy बनाया है so that we can easily use them. And जो हमारा प्रोग्राम है वी कैन अचीव वट वी वॉन्ट टू अचीव विद रेस्पेक्ट टू GUI बेस्ड, ठीक है. सो मूविंग ऑन, जो हमारे पास अब हायरार्की होती है, जैसे हमने AWT में हायरार्की पढ़ी थी, सिमिलरली इन केस ऑफ स्विंग्स वी हैव हायरार्की दैट इज टू बी फॉलोड और दैट इज देयर. तो वो हायरार्की मैंने बना के रखी है. दैट इज अगेन कि हमारे पास यहाँ जो क्लास एक है java.swing.j component. Now here मेक कीप वन थिंग इन माइंड कि जब भी हमारे पास सिंस स्विंग है, इट इज ए सेट ऑफ JFC जावा फंक्शन क्लास उसी का हिस्सा है. तो दैट्स वाई ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन केस ऑफ अवर स्विंग यू विल सी दैट इट इज अ पार्ट ऑफ और इट हैज कैपिटल J एट द बिगिनिंग, ठीक है, टू रिप्रेजेंट कि ये भाई हमारा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ JFC और इन टर्न कैन सी इट इज अ पार्ट ऑफ स्विंग. तो अगेन यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियली है वी हैव java.swing.j कंपोनेंट. नो डाउट इसके ऊपर हमारे पास java.swing.container है, देन वी हैव अबव दैट java.swing.object क्लास जो हमारे पास मेन होता है. एंड ये कुछ यहाँ पे हायरार्की दिखाई है कि बटन्स जो है abstract button क्लास है, सो इट इज इम्प्लीमेंटेड और इसके जो कंपोनेंट्स है दैट इज मेन्यू, जे मेन्यू आइटम, जे टॉगल बटन, देन जे बटन, एंड सिमिलरली मेन्यू आइटम is being implemented by using JMenu, ठीक है. तो अलग अलग क्लासेस हैं, these are the various components जो हमारे पास किस में होती हैं, swings में होती हैं. Similarly, in case of AWT we had label, यहाँ पे हमारे पास J label है, ठीक है. In case of AWT we had panel, यहाँ पे हमारे पास J panel है, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास वहाँ buttons होता था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, J button है. So each and every component in this swing had a capital J at the बिगिनिंग टू रिप्रेजेंट कि भाई ये कौन सा कंपोनेंट है या ये किस से बिलोंग करता है, ठीक है. बिकॉज प्रोग्राम जब हम देखेंगे यू विल फाइंड कि प्रोग्राम्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहती है हमारे पास, बस जिनके सामने जी होगा तो वी श्योर कि हमने इसको इम्प्लीमेंट और अचीव किया है विद हेल्प ऑफ स्विंग, ठीक है. तो भी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है. जैसे हमारे पास प्रोग्राम्स होंगे, जैसे बाकी प्रोग्राम्स AWT के टाइम होता था, दैट वी हैव टू फॉलो सर्टन स्टेप्स, वी हैव टू रिमेंबर सर्टन स्टेप्स. वो स्टेप्स क्या होते थे, दैट वी माइट फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ कंपोनेंट और कंटेनर. तो हमें एक कंटेनर की जरूरत पड़ती थी, ठीक है, वी नीड टू हैव अ कंटेनर, कंटेनर होना चाहिए. नंबर सेकंड इज हम उसमें क्या करते थे, कंपोनेंट को डिक्लेयर करते थे. एंड नंबर थर्ड
दैट वी हैव टू एड दैट कंपोनेंट, ठीक है, एड कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें हम AWT में करते थे, वी विल सी कि ये सारी चीजें हमें किसमें करनी है, ये सारी चीजें हमें यहाँ स्विंग्स में भी करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ अगर हमारे पास अब क्या है कि फ्रेम है, तो हमने देखा था जब हमारे पास फ्रेम एज ए कंटेनर होगा, उसमें हम क्या करते हैं, वी हैव सर्टेन स्टेप्स सॉरी मेथड्स जो हमें उसमें यूज करनी ही करनी होती है। जैसे सेट साइज होता है हमारे पास, कि भाई जो हमारे पास विंडो होगा, जो फ्रेम का साइज होगा वो कितना है वो हम देखेंगे, वो हमें यूज करना ही करना है। विजिबिलिटी देखेंगे हम कि हमें वो यूज करना ही करना है फॉर फ्रेम, हाँ, विजिबिलिटी। एंड सिमिलरली वी मे से कि जो हमारे पास कभी कभार लेआउट होता है, तो ठीक है, सेट लेआउट, ये कुछ मेथड जो हैं जो हमने ऑलरेडी फ्रेम्स वगैरह में यूज किए हुए हैं। तो यू विल सी अगर हम देखेंगे करेंगे इनको इम्प्लीमेंट विद हेल्प ऑफ फ्रेम्स इन कंपोनेंट्स को, तो वो सारी चीजें जो हमने AWT कंपोनेंट्स में की थी वो हमें यहाँ भी करनी है, ठीक है। या जो हमने फ्रेम को एग्जीक्यूट करने के टाइम जो प्रोसेस या जो मेथड्स यूज किए थे वो हमें यहाँ पे भी करने हैं, ठीक है। सो मूविंग ऑन, लेट अस सी नाउ एग्जांपल हाउ दीज स्विंग्स आर मोर हेल्पफुल और हाउ वी कैन अचीव GUI based programs with the help of these swing components, ठीक है। Now first of all हमने जो program किया हुआ है that is कि भाई हमने एक button को create किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी जो frame है दो तरीकों से हमने execute किया है। One is which is called as association, जो हमने frame के time किया था। Second is called as inheritance. तो inheritance में हम क्या देखेंगे, you will see हम उस time पे देखेंगे, इसके बाद हम program करेंगे, you will see यहाँ पे थोड़ा change होगा। यहाँ पे आएगा पब्लिक क्लास स्विंग वन एक्सटेंड फ्रेम, तो यहाँ हमने एक्सटेंड नहीं लिखा है, दैट मीन्स इट इज बाय वर्चू ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। सो इट इज फ्रेम यूजिंग एसोसिएशन। सो यार एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हमने फ्रेम के टाइम एग्जीक्यूट किया था, बस ओनली डिफरेंस इज दैट हियर वी हैव यूज्ड the swing components or the JSC classes. उसकी कैसे हमें पता चलता है, you'll see everywhere जहां पे भी हमारे पास कोई क्लास का नाम होगा जो इन बिल्ड क्लास होगा, वी हैव एन जे सॉरी वी हैव ए जे एट द बिगिनिंग। सो सिमिलरली यू विल सी जब हमने बटन क्लास यूज किया, बट चूंकि ये स्विंग वाला है तो हमने जे यहाँ पे क्रिएट लिखा है, यहाँ पे भी हमारे पास जे है। बाकी जो बटन है हमने यहाँ बटन के लिए बहुत सारे मेथड्स वगैरह भी आ जाते हैं, वी हैव ए सिंपल बटन जे बटन क्लिक लिखा हुआ है, वी मे हैव अ बटन विद एन इमेज और विद एन आइकन, वो भी हम देखेंगे, और वी मे हैव सिंपली अ बटन विदाउट द स्ट्रिंग, दैट मींस डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स आर देयर फॉर बटन, ठीक है। वी मे हैव अ सिंपल बटन, ऐसे अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था तो वी मे राइट जे बटन बी इज इक्वल टू न्यू जे बटन, सो वी मे राइट लाइक दिस जे बटन, say suppose if it is b capital is equal to new j button then parenthesis empty parenthesis and semicolon, ye bhi ek constructor hota hai, theek hai, kyunki humne dekha hai chahe frames ko implement kar rahe hain ya AWT components ko implement kar rahe hain, we have to keep two things in mind that every component has its constructor, har ek ke paas kuch constructors hote hain, usually more than one, ठीक है, एंड ऑल दीज कंपोनेंट्स डू हैव सर्टेन मेथड्स टू गिव देम एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास कंपोनेंट्स में रहती ही रहती है, ठीक है। तो ये दो चीजें हमारे पास कंपोनेंट्स में रहती है, तो यहां पे भी हम देखेंगे दैट वी हैव सर्टेन कंस्ट्रक्टर्स। अब हमने एक कंस्ट्रक्टर यहां देखा जिसमें हमने स्ट्रिंग डाला हुआ है, दूसरा कंस्ट्रक्टर मैंने बोला है ब्लैंक, तीसरा हम आइकन या इमेज डाल सकते हैं, वो भी हम एग्जांपल करेंगे। सिमिलरली यू कैन सी यहाँ पे एक और मेथड हमने यूज किया है विच इज सेट बाउंड्स। अब किसकी बाउंड्स हमें सेट करनी है, बटन के, कि बटन की लोकेशन क्या होगी, जो हमारा फ्रेम होगा फ्रेम में इसकी विजिबिलिटी क्या होगी या इसकी लोकेशन क्या होगी, दिस स्टैंड्स फॉर एक्स एक्सिस, दिस स्टैंड्स फॉर वाई एक्सिस एंड देन दिस स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड ब्रेथ, दिस 140 स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बटन, ठीक है। फिर हमने एग्जैक्टली इस बटन को फ्रेम में ऐड किया हुआ है, देन जो मैं अभी भी कह रहा था कुछ मेथड्स हमें यूज करने ही करने होंगे रिलेटेड टू फ्रेम, दैट इज हमने साइज सेट किया हुआ, हमने विजिबिलिटी देखी, हमने लेआउट चेक किया, ठीक है, एंड साथ साथ ही में हमने एक ऑपरेशन लिखा, एक और एक्स्ट्रा मेथड यूज किया है, दैट इज फ्रेम डॉट सेट डिफॉल्ट
क्लोज ऑपरेशन दैट इज जे फ्रेम अगेन डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। अब ये किस चीज के लिए है, ठीक है, बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है परफॉर्म की, हमने नेमिंग कन्वेंशन अब जे जे सामने रखा हुआ है। अब ये वाला जो लास्ट वाला है f dot set default close operation, what it does usually, जो भी अभी तक आपने प्रोग्राम किए होंगे चाहे फ्रेम में किए होंगे आपने AWT, ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी आपको आउटपुट स्क्रीन पे आउटपुट वाला विंडो आ जाता है जब भी आपने कंपोनेंट्स ऐड किए होते हैं, ठीक है, तो कर्सर यहाँ ब्लिंक करता रहता है इस वाली लोकेशन पे, और जब आप इस पे क्लोज पे क्लिक करोगे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेम है, आप ही बताओगे कहाँ क्या होना है, तो हमने कोई ऑपरेशन अभी तक नहीं दिया था इसके रिगार्डिंग, पर दिस इज द फर्स्ट टाइम हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये जो डिफॉल्ट क्लोज वाला बटन है इसके क्लिक होने पे आप क्लोज हो जाओ, वो हम यहां बोलते हैं जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। एग्जिट ऑन क्लोज मीन्स यहां पे क्लोज पे जब आप क्लिक करोगे तो इट शुड गेट एग्जिटेड, तो ये आप बाहर निकलेगा, ये विंडो गायब हो जाएगी आउटपुट वाली विंडो, और हमारे पास यहां प्रॉम्प्ट वापस आ जाएगा। अदरवाइज अभी तक आप जब भी कोशिश करोगे, ठीक है, आप देखना वट एवर जो भी फिर प्रॉम्प्ट होगा, आप देखना कि अगर आप इस पर क्लिक करोगे ये गायब ही नहीं होता है, और आपको प्रॉम्प्ट वापस लाने के लिए मैंने कहा था प्रीवियस वीडियोस में भी दैट यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंड सी, उसका उससे ये वाला जो विंडो है आउटपुट वाला विंडो वो क्लोज हो जाता है और आपको आउटपुट स्क्रीन पे जो है कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रॉम्प्ट वापस आ जाता है। तो ये एक एडिशनल हमने यहाँ मेथड यूज किया है, बाकी सारी सेम है, ठीक है, दिस वॉज विद हेल्प ऑफ एसोसिएशन के हमने बटन को कैसे अचीव किया, लेकिन ये जो हमारा है दैट इज विद द हेल्प ऑफ नाउ स्विंग। ठीक, मूविंग ऑन, अब यही फ्रेम हमने किया है बट विद हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस नाउ, ठीक है, यूजिंग इनहेरिटेंस। ठीक, अब चूंकि इनहेरिटेंस है तो एक्सटेंड किसको एक्सटेंड कर रहा है, जे फ्रेम, बाकी सारा सेम है ऑलमोस्ट, स्विंग टू, ठीक है, स्विंग टू किस लिए, यहाँ पे हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, दिस इज कंस्ट्रक्टर, क्लास कंस्ट्रक्टर, दिस इज द कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे ये जो हमने ये स्टेटमेंट लिखी है न्यू, मे बी आपको लगे कि अजीब सा है, असल में हम क्या कर रहे हैं, हम कोई जो ऑब्जेक्ट है बना ही नहीं रहे हैं, एंड इन दिस केस इट इज कॉल्ड एज एनोनिमस ऑब्जेक्ट, हम क्रिएट ही नहीं कर रहे, अदरवाइज वी कुड हैव रिटन दिस स्टेटमेंट एज, हम ऐसे भी लिख सकते थे swing 2, say suppose s2 is equal to new swing 2, ये स्टेटमेंट हम ऐसे भी लिख सकते, ठीक है, लेकिन हमने ये चीज क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को कुछ करना ही नहीं है, हमने ऑब्जेक्ट को कहीं यूज ही नहीं करना है, s2 हमें कहीं यूज ही नहीं करना है, इन दैट केस वी यूज द एनोनिमिटी, ठीक है, एनोनिमस एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, बस ये वाली लाइन लिख दी, इसने क्या किया, ये डायरेक्टली कॉल करेगा अपने कंस्ट्रक्टर को, देन फंक्शनैलिटी विल बी डन, बाकी सारा सब कुछ इसमें सेम ही है, लेकिन एक डिफरेंस ये है जो मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था दैट यू सी यहाँ पे अब हमारे पास इन द बिगिनिंग स्मॉल एफ नहीं है, जो कि हमारे पास यहाँ पे था क्योंकि हमें फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था, यहाँ पे आप देखोगे इस वाली लाइन में हर जगह एफ डॉट है, बिकॉज दिस इज विद द हेल्प ऑफ एसोसिएशन, एंड सिंस हियर इट इज विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वी आर इन द और वी हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑफ जे फ्रेम क्लास, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन दैट, ठीक है, बिकॉज़ विद हेल्प ऑफ दिस इनहेरिटेंस, ठीक, बाकी सारी चीजें सेम है इसमें। नाउ मूविंग ऑन, वी विल सी कि अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा था ये हमारे पास स्विंग, व्हाट वाज दैट, कि अब हम एक बटन में इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं, फॉर दैट केस हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाया सिंपली जैसे हम अभी तक बना रहे थे यूजिंग एसोसिएशन, हमने जे फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे विद हेल्प ऑफ एसोसिएशन जो हम करते आ रहे हैं, बटन ने एक बनाया जो मैंने अभी कहा कि हमने दो कंस्ट्रक्टर्स वहां देखे थे, एक जिसमें स्ट्रिंग हमने यूज किया, एक विदाउट स्ट्रिंग, यहाँ एक तीसरा मैं कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा हूं जहां मैं इंसर्ट कर रहा हूं इसमें एक आइकन, दिस इज आइकन, आइकन आई यूजुअली जिसका जनरल फॉर्म रहता है, अब हमने आइकन के बदले क्या दे दिया इसको, इसको एक पाथ दे दिया इमेज का, मेक श्योर जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे ये जो ये इमेज है आपको ये उसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में आपको ये फाइल सेव होगी या जहां से इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, जहां पे आपका ये जो डॉट जावा फाइल होगी ना, ये वाली डॉट जावा फाइल जो होगी जिस वाले फोल्डर में भी ये होगी, ठीक है, उसी फोल्डर में आपकी वो इमेज भी होनी चाहिए जो आप जिसका एड्रेस दे रहे हो, तब जाके वो फेच हो जाएगी, बाकी सारी हमने चीजें सेम रखी है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, इसको जब हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन एंड कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑल ऑफ यू हैव ऑलरेडी
और अवेयर ऑफ दैट, ठीक है. अगर क्विकली आई गिव द स्टेप्स, नंबर फर्स्ट इज दैट वी हैव टू क्रिएट फाइल, ठीक है. हमेशा हमें क्या करना होता है, एक डॉट जावा फाइल बना देनी होती है, दैट इज स्टेप वन. नाउ स्टेप सेकंड इज दैट वी हैव टू कंपाइल दैट, दिस इज स्टेप टू. वंस द कंपाइलेशन इज सक्सेसफुल, उसके बाद क्या करते हैं, नंबर थर्ड इज दैट वी हैव टू डू एग्जीक्यूटेड यूजिंग इंटरप्रेटर. सो दिस इज स्टेप थ्री एंड यू विल गेट एन आउटपुट. सिंस इन दिस केस वी आर यूजिंग एन एक्स्ट्रा बिट, हम एक इमेज भी यूज कर रहे हैं, तो मेक श्योर जिसमें आपकी ये फाइल है डॉट जावा फाइल, उसी में आपकी इमेज भी होगी. तो इन दिस वे वी हैव अचीव्ड कि हमने अब बटन में क्या रखा है, इमेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि AWT के हेल्प में पॉसिबल नहीं था. दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ व्हेन वी आर यूजिंग स्विंग. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज वर टेक्स्ट एरिया, ठीक है. टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट व्यू, मैंने कहा ना वही कंपोनेंट्स है जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में यूज किए हुए हैं, बट हियर ओनली वी विल सी कि हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से कैसे इसको अचीव कर पा रहे हैं. बाकी लिखने का मेथड्स वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है. नेमिंग कन्वेंशन भी सेम है, जस्ट दैट वी हैव जे जे एट द बिगिनिंग, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक टेक्स्ट कंपोनेंट बनाना है, टेक्स्ट कंपोनेंट या टेक्स्ट एरिया डालना है. उस चीज के लिए हमने क्या किया, अगेन विद हेल्प ऑफ एसोसिएशन और विद हेल्प ऑफ आप एक्सटेंड फ्रेम भी कर सकते थे, और इवन विद हेल्प ऑफ एप्लेट्स भी आप इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो यू हैव योर चॉइस कि आप इनको कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हो. सिंस एप्लेट्स के थ्रू हमें डॉट एचटीएमएल फाइल भी बनानी होती है, ठीक है, तो वो ध्यान रखना होता है, दो तीन फाइलें बनानी पड़ती है. तो इट्स बेटर कि हम ऐसे ही शॉर्टकट में इनको एग्जीक्यूट करें. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया है, अगेन टेक्स्ट एरिया इज अ कंस्ट्रक्टर. तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हो सकते हैं. मैंने यहाँ एक टेक्स्ट एरिया किया हुआ यूज, वी मे हैव समथिंग लाइक जे टेक्स्ट एरिया स्ट्रिंग एस. दैट मींस इनिशियली जब हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया ना, ब्लू कलर है, इसमें कोई भी हमारे पास टेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है. दैट मींस वी हैव टू टाइप, देन वो यहाँ डिस्प्ले होगा. दैट मींस अगर हम चाहते हैं कि इनिशियली भी कोई टेक्स्ट हमारे पास इस टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट एरिया में आ जाए, देन इन दैट केस वो मैं कहाँ डाल सकता हूँ, इस स्ट्रिंग के बदले यहाँ डबल कोट्स में लिख सकता हूँ, वट एवर आई विल राइट इन डबल कोट्स वो यहाँ आ जाएगा. तो ये तो था एक कंस्ट्रक्टर, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है. तीसरा कंस्ट्रक्टर भी हम यूज कर सकते हैं, वेयर इन वी मे हैव नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है. स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग होगा, फिर रोज एंड कॉलम्स होगा, और विदाउट स्ट्रिंग भी एक हमारे पास है, ठीक है. सो वी मे हैव जे टेक्स्ट एरिया, हमारे पास इंट रोज कॉमा इंट कॉलम्स, ठीक है. कितने रोज एंड कितने कॉलम्स आपके टेक्स्ट एरिया में आ सकते हैं. वी मे हैव स्ट्रिंग ऑल्सो, अगर इंट रोज एंड इंट कॉलम्स है तब भी फिर से ब्लैंक आ जाएगा हमारे पास टेक्स्ट एरिया, ठीक है. अब अगर हम चाहते हैं नहीं इनिशियली कुछ टेक्स्ट आ जाए, देन इन दैट केस इससे पहले हमें क्या डालना है, इसमें वी हैव टू एड स्ट्रिंग. तो इससे पहले हमें स्ट्रिंग डालना पड़ेगा. सो वी कैन वन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, टू, देन वी हैव थ्री, देन वी हैव फोर और मोर देन फोर कंस्ट्रक्टर्स फॉर टेक्स्ट एरिया. सिमिलरली इट हैज इट्स ओन मेथड्स, ठीक है. कुछ और अपने मेथड्स भी हैं इस टेक्स्ट एरिया में, जैसे वी हैव यहाँ पे देख सकते हैं आप, एरिया में बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर्स की बात करेंगे, दीज आर सर्टेन मेथड्स. अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन हैव, अगर हमने यहाँ इनिशियली हमने रोज एंड कॉलम सेट नहीं किए हैं, हम सेट कर सकते हैं बाद में नंबर ऑफ रोज, या कभी कभार हमें चाहिए होते हैं, देन इन दैट केस वी कैन यूज गेट रोज वगैरह, अपेंड कभी कभार हम कर सकते हैं स्ट्रिंग को, ठीक है. तो दोज आर डिफरेंट मेथड्स जो हम यूज कर सकते हैं विद दिस टेक्स्ट एरिया. तो यहाँ पे भी अगेन हमने देखा, यहाँ कुछ बॉन्ड्स, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड वन अगेन लोकेशन, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है. ये दो जो हमारे पास है, 10 इज एक्स एक्सिस एंड 30 इज वाई एक्सिस. एंड 100 मीन्स द साइज कितना बना है इसका, जो टेक्स्ट एरिया हमारे पास है. देन वी हैव बैकग्राउंड कलर, जो ब्लू रखा हमने तो ब्लू हुआ है, यू माइट वॉन्ट कीप इट ब्लैक या कोई और आप रख सकते हो. सिमिलरली फोरग्राउंड कलर जो बाकी का कलर है, दैट इज वाइट, ठीक है. हमने ऐड किया हुआ है इस एरिया को अपने किस में, अपने फ्रेम में, जैसे कि हम करते आ रहे थे फ्रेम्स में. देन फ्रेम का साइज, लेआउट एंड विजिबिलिटी वगैरह, इसको क्लोज किया, तो डॉट जावा एज विद एन एक्सटेंशन सेव किया. देन वी विल कंपाइल इट, ठीक है. कंपाइल करने के लिए हमने यहाँ इसे कंपाइल किया, ठीक है, यहाँ पे. देन दिस इज स्टेप टू, दिस इज स्टेप वन, डॉट जावा फाइल, दिस इज कंपाइलेशन नंबर थ्री, एंड यू विल गेट द आउटपुट एज इट इज एज ए स्टेप फोर, ठीक है. तो ये तो था हमारा किसके बारे में, टेक्स्ट एरिया के बारे में. मूविंग ऑन, नाउ वी कैन से कि रेडियो बटन,
हमारे पास रेडियो बटन होते हैं ना, कि वी हैव मल्टीपल चॉइसेस, उनमें से हमें एक को सिलेक्ट करना है. दिस इज सिमिलर टू दैट ऑफ, अगर हमारे पास जो हमारे पास कंपोनेंट्स है एडब्ल्यूटी में, देयर वी हैड चेकबॉक्स और चेकबॉक्स ग्रुप. ठीक है, तो उसी से हमारे पास यहाँ है रेडियो बटन और बटन ग्रुप सिमिलरली. एग्जैक्टली, ठीक है, वहां पे हमारे पास चेकबॉक्स होता था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेडियो बॉक्स. सो आई माइट राइट हियर चेकबॉक्स. ठीक है, कंपैरिजन में वहां यहाँ रेडियो बॉक्स बटन है हमारे पास, देयर वी हैड चेकबॉक्स ग्रुप. यहाँ पे हमारे पास क्या है, बटन ग्रुप. चेकबॉक्स और चेकबॉक्स ग्रुप में हमारे पास क्या डिफरेंस थी, चेकबॉक्स में हम कभी कभार दो या दो से ज्यादा को भी हम सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है, चेक कर सकते थे. बट इनके साथ अगर वो चेकबॉक्स ग्रुप एक ही ग्रुप में बिलोंग करते थे, तो उनमें से ओनली एक को हम सिलेक्ट कर पाते थे. तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ रेडियो बटन है, ठीक है, बटन हमने क्रिएट किए दो, एक का नाम रखा, ठीक है, अगेन कंस्ट्रक्टर यूज किया, दिस इज स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक एक ही स्ट्रिंग जा रही है ये, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम दिस टू दिस पॉइंट दिस स्ट्रिंग, दैट मीन्स हमारे पास आउटपुट कैसे आएगा, आउटपुट आएगा ऐसे ए देन ब्रैकेट देन मेल, विच इज सेम एज ना ए देन ब्रैकेट देन मेल, उसके पहले रेडियो बटन. सिमिलरली फॉर दिस, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा स्ट्रिंग. वी मे हैव विदाउट स्ट्रिंग, कभी नाम के बगैर ही है, ठीक है, खाली हमारे पास क्या है, रेडियो बटन है, लेकिन उसका कुछ नाम ही नहीं है, वी कैन हैव दैट ऑल्सो, ठीक है, कभी कभार, ठीक है, फिलहाल इतना. सिमिलरली हमने इनके बॉन्ड्स वगैरह, इनकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन 80 100, दैट मीन दिस इज 80 एंड दिस इज योर 100, उसके बाद 80 अगेन सेम, और यहां से यहां तक कितना है ये, दैट मीन दिस इज 150, दिस इज योर 80 अगेन, क्योंकि सेम हमारे पास सिंक्रोनाइज करने की सीध में रखना है इनको, ठीक. उसके बाद नो डाउट साइज वगैरह है, दिस इज साइज 70 40, ये कितना एरिया लेगा मेल, अगर आपने इसमें कम साइज रखा तो यू सी जो मेल के अल्फाबेट है वो कम ही आ जाएंगे, इसलिए मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा रखा है. फिर अगेन हमने ऐड किया हुआ है, अब भी हमने ग्रुप किस लिए बनाया है, सो दैट अगर मैं एक को क्लिक करूं, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी रेडियो बटन ए मेल पे क्लिक किया हुआ है, अगर ये ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, देन अगर मैं फीमेल पे भी क्लिक करता, ये दोनों सिलेक्ट हो जाते हैं इन दैट केस. तो हम चाहते हैं कि अगर दोनों सिलेक्ट ना हो जाए, इन दैट केस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनको ग्रुप में डालना जरूरी है. एक और चीज कि जब आप इनिशियली इसका आउटपुट देखोगे ना, these both will be blank, ये ऐसे होगा, A male, B female, ये ऐसे होगा, blank होगा, ठीक है. अब अगर आप चाहते हो कि एक select करो, then दोनों में से एक select होना चाहिए, तो group में डालना ही है, ठीक है, आपको button group में add करना है. अब अगर आप initially चाहते हो, तो initially वहीं से at least एक radio पर select होना चाहिए, फिर अगर हमें उसे change करना है, then we will change. So we can say कि custom कौन सा सिलेक्टेड होगा, इन दैट केस हमारे पास एक और कंस्ट्रक्टर होता है इसी रेडियो बटन का, ठीक है, और उसमें कैसे आ जाता है हमारे पास, वी हैव विद इन द ब्रेसेस स्ट्रिंग, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है, यहां से आएगा यही सारा जे रेडियो बटन, ऐसे जे रेडियो बटन, देन स्ट्रिंग, देन स्ट्रिंग के बाद होगा बुलियन, बुलियन सिलेक्टेड. बुलियन सिलेक्टेड मीन्स अगर मैंने सपोज ये स्ट्रिंग का कौन सा था, ए वाला है, मैंने ए के ऊपर लिखा है ट्रू, ऐसे लिखा है इस वाली लाइन में, ये जो पहली वाली लाइन है ना, तो यहाँ अगर हमारे पास है, चलो मैं नीचे लिख लेता हूं, अगर ऐसे पास है जे बटन, सॉरी ये रेडियो बटन है, जे रेडियो बटन, देन उसके बाद क्या है हमारे पास, देन वी हैव समथिंग लाइक दिस, ए देन ब्रैकेट देन मेल देन क्लोज, ये स्ट्रिंग वर्ड आ गया, देन बुलियन, इफ आई से ट्रू फॉर मेल, दैट मींस फॉर फीमेल अगेन इसी तरह आएगा ना, समथिंग लाइक बी फीमेल देन डबल कोट्स, देन फॉर दैट इट विल बी फॉल्स. अगर दोनों के लिए हमने ट्रू रखा, दैट मींस मैं इनिशियली दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, मैं चाहता हूँ दोनों में से एक ही सिलेक्ट हो बाय डिफॉल्ट, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम उस वाले में ट्रू रखते हैं, दैट मीन दिस इज अगेन अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर जो हम यूज कर सकते हैं, एक तो ये वाला कंस्ट्रक्टर है, दूसरा विदाउट स्ट्रिंग, दैट इज सेकंड कंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवर हियर जो हम यूज करते हैं टू इट्स अवर रेडियो बटन, ठीक है. इसी तरह से हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है,
ठीक है, दैट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैन बी accomplished or achieved विद हेल्प ऑफ कॉम्बो बॉक्स इन दिस स्विंग. हमने यहाँ नहीं कराया है, आप सकते हो ठीक है, कॉम्बो बॉक्स थ्रू आप ड्रॉप डाउन बॉक्स को, जिसमें एरो आके क्लिक करने पे बाकी सारे रिजल्ट हमें दिखते हैं ठीक है, या चॉइसेस दिखती है, वो आप अचीव कर सकते हो विद हेल्प ऑफ कॉम्बो बॉक्स. मूविंग ऑन, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट के लेआउट, बिकॉज इट इज अ कंटेनर अगेन, इसमें भी अपना लेआउट होगा ना, तो वो लेआउट कैसे हम अचीव कर पाते हैं इन केस ऑफ, अगर हमारे पास स्विंग्स हैं, सेम थिंग है, बट ओनली कि हमने यहाँ पर AWT को भी ऐड किया हुआ है, बिकॉज लेआउट जो है वो AWT वाले ही ऐड होते हैं. बाकी कंपोनेंट्स आप यहाँ देखेंगे, जितने भी बटन हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, सारे JJ हैं, दैट मीन स्विंग है. यहाँ फ्रेम भी हमारे पास J फ्रेम ही है ठीक है, लेकिन जो लेआउट है वो लेआउट कौन सा है, फ्लो लेआउट है, उसके सामने J नहीं लिखा हुआ है, दैट इज लेआउट, उसमें स्विंग्स और इनका कोई लेना देना नहीं है, दैट इज लेआउट के आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो कैसे दिखेंगे. तो हमने यहाँ लेआउट डाला है, F डॉट सेलेक्ट लेआउट, अभी तक नल डाल रहे थे हम, यहाँ पे हमने न्यू फ्लो लेआउट, फ्लो लेआउट डॉट राइट, विच मीन्स एक्चुअली कि मैं इसको कह रहा हूँ कि फ्लो लेआउट कहाँ से करो इसको, राइट साइड में. मैं इसी स्टेटमेंट को, जो ये वाली एक ही लाइन है, इसको मैं दो लाइन में लिख सकता था ठीक है. पहला मुझे फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना था फ्लो लेआउट का, देन फ्लो लेआउट के ऑब्जेक्ट को मैं सेट लेआउट में डाल देता, तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने एक ही लाइन लिखी ठीक है. हमने लिखा तो एफ डॉट सेट लेआउट न्यू फ्लो लेआउट, कौन सा फ्लो लेआउट होगा, सेंटर राइट वाला, बिकॉज फ्लो लेआउट में हमारे पास लेफ्ट भी आता है, राइट भी आता है, सेंटर भी ठीक है, बॉटम भी आ जाता है, हमारे पास बहुत सारे लेआउट होते हैं इसमें, और भी इसके लेआउट होते हैं, जैसे ट्रेलिंग होता है ठीक है, लीडिंग, हमारे पास फ्लो लेआउट के डिफरेंट कैटेगरीज या टाइप्स होते हैं ठीक है. तो ये तो था अबाउट कि फ्लो लेआउट में हमारे पास जितने बटन थे हमने कैसे उनको राइट रखा, इसी तरह हम इनको कोई और भी लेआउट दे सकते हैं. तो नाउ हमने यहाँ देखा कि अब हम कैसे लेआउट को भी यूज कर रहे हैं विद इन अवर स्विंग्स. नो डाउट लेआउट तो अपना ही है, इसमें जे वगैरह का एपेंड नहीं है, या हमने इसमें प्रीफिक्स जे से नहीं किया हुआ है, लेकिन जिसमें बटन वगैरह हो रहे हैं, बाकी चीजें जब भी हम यूज कर रहे हैं लेआउट के टाइम पे, तो वो सारी हमारे पास स्विंग्स वाली कंपोनेंट्स हैं. नाउ मूविंग ऑन, लेट अस सी कि हमारे पास कभी कभार जो स्लाइडर है, विच इज कैन से न्यू कंपोनेंट अपार्ट फ्रॉम जो हमारे पास AWT में नहीं है बट यहाँ अवेलेबल है, दैट्स कॉल्ड एज अ स्लाइडर. नाउ दिस स्लाइडर कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हियर यहाँ मैंने दिया है, विच वी कैन से सोफिस्टिकेटेड वन है, जिसमें फीचर्स बहुत सारे हैं, तो मैं अभी बता दूंगा आपको क्या फीचर्स इसमें है क्या नहीं है. इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, इसको एक्सटेंड फ्रेम वाला किया है. एक्सटेंड फ्रेम मीन्स नो हियर आई एम एक्सटेंडिंग द फ्रेम क्लास, सो नो नीड टू क्रिएट द फ्रेम ऑब्जेक्ट नाउ. मैं एफ डॉट नहीं करूंगा कहीं पे भी यूज, अदरवाइज अगर मेरे पास एसोसिएशन होता, इट इज इनहेरिटेंस, अगर एसोसिएशन होता देन इन दैट केस आई माइट हैव यूज्ड ऑब्जेक्ट ठीक है. तो ये हमारे पास किसके लिए है, दिस इज फॉर स्लाइडर. नाउ इस स्लाइडर में हमारे पास क्या हो रहा है, अगेन हमने एक स्लाइडर का क्लास लिया जी स्लाइडर, उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम है स्लाइडर यहाँ पे ठीक, और उस स्लाइडर का जो कंस्ट्रक्टर है हमने यहाँ पे डिफरेंट उसमें यू कैन सी इंटरनली पैरामीटर्स पास किए हुए हैं, जैसे यहाँ मैंने लिखा है जे स्लाइडर डॉट हॉरिजेंटल 0, 50 and 25. समटाइम्स ये जो हमारे पास स्लाइडर के लिए कंस्ट्रक्टर हो सकता है, दैट माइट बी सिंपली ओरिएंटेशन के साथ ही ब्लैंक, दैट मीन्स उस टाइम पे हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज वगैरह नहीं होते हैं ठीक है. तो मैं से सपोज फॉर एग्जांपल अगर इसी चीज को हमने ऐसे लिखा होता जे स्लाइडर, से सपोज जे इज इक्वल टू न्यू जे स्लाइडर, एंड देन इफ वी हैव ओनली प्रोवाइडेड द ओरिएंटेशन दैट इज जे स्लाइडर डॉट horizontal, अब मैं खाली H लिख रहा हूँ, then bracket close. In that case, हमारे पास एक slider बनता, इसका जो output होता, हमारे पास एक slider बनता, लेकिन वो सिर्फ इतना होता है, ऐसे होता हूँ, with a line, ठीक है? और maybe उसका जो ये sliding point है, initially हो जाता है या center पे आ जाता, that is by default, ठीक है? slider जो इसका है, ये वाला slider. इसी तरह हमारे पास क्या होगा, वी माइट हैव अनदर
कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिस जो बिल्कुल ऐसे ही होगा, बस यहाँ फर्क होगा उसमें, यहाँ हमने दिया होगा, बाकी सारी सारी चीजें सेम होगी। ये सारी चीजें सेम होने के बाद यहाँ पे हमारे पास खाली कुछ वैल्यूज होंगे, ठीक है, वैल्यूज होंगे इंट मिन, सॉरी मिन एंड इंट मैक्स, इंट मिन एंड इंट मैक्स मीन्स नाउ आई एम प्रोवाइडिंग द वैल्यूज फॉर द स्लाइडर, कि जो मेरा स्लाइडर होगा अगर ऐसे है स्लाइडर तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या है, इफ इट इज जीरो देन वो स्लाइडर जीरो से शुरू होके जो मैक्सिमम वैल्यू होगा से इट इज 50 तो 50 तक हो जाएगा, और से सपोज इट इज इन द मिडल हमारे पास जो इसका स्लाइडर जो बीच का ये टिक है, ठीक है। तो इन दैट केस हमारे पास डिफरेंट हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये एक कंस्ट्रक्टर है हमारे पास विच इज गिवन जो हमने यूज किया है, ये दूसरा वाला है, ये तीसरा वाला बना, इसी तरह से एक और बन सकता है जिसमें मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू एंड एक विच इज कॉल्ड एज इंट वैल्यू, ठीक है। तो ये तो था, दिस इज कॉल्ड एज ओरिएंटेशन फर्स्ट, नाउ दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज इंट वैल्यू और सिंपली वैल्यू, विच मीन्स व्हाट शुड बी द लोकेशन ऑफ दिस स्लाइडर और दिस पॉइंटर ऑन अवर स्लाइडर, जो स्लाइडर हमारे पास है उसमें इस पॉइंटर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, वो ये डिफाइन करता है। आप देख सकते हैं हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल है, बंधा है हमारा स्लाइडर हॉरिजॉन्टल, हमने साथ ही में रखा है मिनिमम वैल्यू जीरो विच इज दिस वन, दैट मीन्स दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज अवर वैल्यू 25 रखा है ना, दैट मीन्स दैट्स व्हाई इट इज इन बिटवीन। अगर मैं इसको 25 को जीरो कर दूं तो ये जो स्लाइडर है वो फिर यहाँ आएगा, अगर मैंने इसको कुछ और वैल्यू रखा 40 रखा तो उस टाइम पे यहाँ पे आ जाएगा। तो ये स्लाइडर की प्रॉपर्टीज को वेरी कराता है अकॉर्डिंग दीज पैरामीटर। सिमिलरली हमने रखा है बाद कुछ मेथड हमने किए हैं इसके साथ, देख यहाँ है सेट माइनर टिक स्पेसिंग ये वाला मेथड, और इसी तरह स्लाइडर डॉट सेट मेजर, मेजर टिक और माइनर टिक, मेजर और माइनर टिक कौन सी हुई, जो हमारे पास जीरो में इनिशियल जो हमारे पास जैसे स्केल भी होती है हमारे पास, समटाइम्स वी हैव अ स्केल, ऐसे स्केल होती है हमारे पास जो बड़े मार्क्स होते हैं इसमें, जैसे दिस इज जीरो फिर छोटे छोटे मार्क्स होते हैं, ठीक है, ये बड़ा मार्क आया फिर छोटे छोटे मार्क्स फिर बड़े मार्क्स, तो ये दिस इज कॉल्ड एज मेजर टिक एंड दिस इज कॉल्ड एज माइनर, ठीक है, इसका नाम है मेजर और ये जो छोटी छोटी तीन चार है दीज आर कॉल्ड एज माइनर टिक्स। तो इनको क्या है कि मेजर टिक स्लाइडर जो है कितनी दूर रखनी है आपस में स्पेसिंग, ये जो मेजर स्लाइडर है वो कितनी दूर रखना है, साथ साथ ही में इन्हीं दो जो हमारे पास टिक्स हैं, टिक्स बिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो लेबल्स हैं टिक्स मींस अब यही चाहे मेजर टिक्स हो या माइनर टिक्स हो वो विजिबल हो रही है, होनी चाहिए, हाँ भाई ट्रू होनी चाहिए। अब जो लेबल्स हैं, लेबल्स मींस जो इनपे मार्किंग है 0, 10, 20, 30, 40, क्या ये विजिबल होनी चाहिए, हाँ भाई ये भी विजिबल होनी चाहिए, दरअसल हमारे पास इस स्लाइडर में सारी चीजें विजिबल हो रही है, इसीलिए मैंने कहा दिस इज वी कैन से हायर एंड स्लाइडर और सोफिस्टिकेटेड वन स्लाइडर, इसके बगैर हमारे पास एक स्लाइडर हो सकता है विच इज नॉर्मल, ठीक है, स्लाइडर होगा वो लेकिन उसमें ज्यादा फीचर्स नहीं होंगे, दैट विल बी लाइक दिस, स्लाइडिंग लाइन होगी और ये बस यहाँ पॉइंटिंग डिवाइस होगा जो आगे चलता जाएगा, या मे बी नंबर्स होंगे हमारे पास या खाली ऐसी लाइन्स होंगी हमारे पास मार्क्स जिनको हम टिक्स बोलते हैं, नंबरिंग वगैरह भी नहीं होगी, ठीक है। एट दैट टाइम इफ वी डू नॉट वॉन्ट कि जो मार्किंग वगैरह इसमें आ जाए, टिक्स वगैरह आ जाए, देन इन दैट केस ये जो दो लाइन हमने यहाँ यूज की है ये हमें यूज ही नहीं करनी है, क्योंकि अब अगर हमारे पास मार्क्स स्मॉल टिक्स या माइनर टिक्स और मेजर टिक्स है ही नहीं तो हमारे पास जाहिर सी बात है हमें टिक्स को विजिबल भी नहीं कराना है ना, इन दैट केस ये दो भी हमारे पास रखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हमारे पास एक स्लाइडर बनेगा विच विल बी अ लाइन एंड अ पॉइंटर, ठीक। तो ये हमारा है कि स्लाइडर जो हमें यहाँ पे बन सकता है यूज द हेल्प ऑफ स्विंग, लेकिन इट वॉज नॉट पॉसिबल व्हेन वी वर डीलिंग विद AWT, ठीक है। तो फिर हमने एक क्लास बनाया मेन क्लास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वहां फ्रेम का एक ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेम स्लाइडर फ्रेम का और फ्रेम साइज सेट किया, फ्रेम साइज मीन्स दिस जो सारा है ये वाला जो हम करते आ रहे थे अभी तक, और उसकी विजिबिलिटी भी दे दी और उसको फिर कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया इन दिस वे, ठीक है। So this was first step dot java file, then we compiled it, this was second step, and third step was we have to execute it or interpret it using java command, to hamare paas ye output aa jayega, theek hai, jisme hamare paas ticks wagera bhi available hai, theek, ye to tha hamare paas kisme slider ke bare mein. Similarly we may have a progress bar also, jo maine yahan nahi karayi hai, theek hai, you can do it yourself, progress bar bhi hamare paas ek aur option aata hai isme, to usse bhi hum progress wagera apne फंक्शन इसकी अपने जो भी हम टास्क कर रहे हैं उसकी दिखा सकते हैं। मूविंग ऑन,
इसके बाद एक और जो फीचर हमारे पास इन केस ऑफ अवेलेबल है स्विंग में, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं था इन केस ऑफ एडब्ल्यूटी, दैट इज टेबल. हाउ वी कैन क्रिएट ए टेबल इन दिस, वी कैन हियर सी हमने उस चीज के लिए क्या लिया है. इस चीज के लिए दो यूज हमें करने होते हैं. वन इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग कॉलम, दैट इज वट शुड बी द हेडिंग ऑफ द कॉलम एंड देन डेटा इन द फॉर्म ऑफ एन एरे, एज यू कैन सी. ठीक है, एरे वगैरह हमने किया है तो इनिशियलाइज हम यही कर रहे हैं थ्रो, क्योंकि स्ट्रिंग टाइप है तो डबल कोट्स में हर एक वैल्यू को रख रहे हैं एंड इट इज ट्रीटिंग एवरीथिंग एज स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई डबल कोट्स. एंड क्योंकि इसके एरे के सामने हमने रखा भी नाम है स्ट्रिंग. एंड इसके बाद क्या किया हमने, हमने एक टेबल जे टेबल लिया, जे टेबल के लिए एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया. ठीक है, उसके बाद दिस इज द कंस्ट्रक्टर विच इज टू बी यूज, जे टेबल डेटा. ठीक है, और डेटा के बाद हमने कॉलम, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, कि पहले हमें डेटा लिखना है उसके बाद कॉलम, कॉलम मीन्स ये वाला. ठीक है, दिस refers to column and this refers to data. तो ये visible कराने के लिए हमने bonds दे दी कि भाई table की bonds वगैरह कितनी होगी, कहाँ से शुरू होगा, 30, 40 या whatever जो भी size होगा इसका. इसके बाद हमने इसमें क्या किया, हमने ये जो एक scroll pattern ले लिया. If you want कि अगर नहीं लेना चाहते, इससे क्या होता है हमारे पास, इससे थोड़ा look and feel अच्छा आ जाता है हमारे पास और ये heading वगैरह भी अच्छे सही से आ जाती है. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, आप इसको कमेंट बना के यहाँ पे जहाँ पे आपने SP डाला है, क्योंकि SP इज नाउ अवर स्क्रॉल पेन, स्क्रॉल पेन इसको एड कर रहे हैं हम. ठीक है, दैट मीन्स हम फ्रेम को क्या एड कर रहे हैं, स्क्रॉल पेन. क्यों, क्योंकि हमने स्क्रॉल पेन में ऑलरेडी हमने अपने टेबल को एड किया हुआ है. सिंस नाउ इफ यू डोंट हैव स्क्रॉल पेन, इसका मतलब है हमें अपने टेबल को किस में एड करना है, फ्रेम में. दैट मीन्स फ्रेम डॉट एड ब्रैकेट में आएगा JT विच स्टैंड फॉर हमारे पास जे टेबल. ठीक है, तो उसके बाद हम इसको से करेंगे विद नॉट जावा फाइल, देन वी विल कंपाइल एंड एग्जीक्यूटेड एंड वी विल गेट दिस एज एन आउटपुट, जो हमारा क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ ए टेबलर फॉर्म होगा. और ये अगेन ये जो टेबल है, क्योंकि पहले भी कहा कि इससे इट हैज मेनी पावरफुल कंपोनेंट्स जो इससे पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं थी. ऑफ द कंपोनेंट्स इज कि टेबल भी है हमारे पास, प्रोग्रेस बार हमने देखा, सॉरी बोला आपको, स्लाइडर हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे अदर जैसे ट्रीज हैं हमारे पास. ठीक, वी हैव स्लाइडर्स, स्लाइडर्स में भी डिफरेंट टाइप्स हमारे पास हैं. तो ये सारी चीजें हमारे पास जो है इस स्विंग को ज्यादा बेनिफिशियल बनाता है यूज करने के लिए एज कम्पेयर टू AWT वगैरह, बिकॉज ये जो स्विंग्स हमारे हैं ये हमें ज्यादा वी कैन से हेल्प करती हैं इजीली अचीव करने में क्या, वो सारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस जो हम नहीं कर पाते थे AWT के थ्रू. तो वहाँ नो डाउट वो वाले भी हम स्विंग के साथ अचीव कर पाते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट सम मोर आर अचीव्ड विद हेल्प ऑफ स्विंग. ठीक है, तो ये तो था बेसिक आइडिया अबाउट व्हाट स्विंग इज. ठीक है, व्हाट आर द बेसिक, मैंने एग्जांपल्स कुछ इसमें दे दी विद हेल्प ऑफ विच वी एक्सप्लेन कि कैसे ये वर्क करता है. ठीक है, इसके बगैर यू कैन ट्राई यूर सेल्फ, बहुत सारे और कंपोनेंट्स हैं जो हमारे पास AWT में थे, यहाँ हमने डिस्कस नहीं किए हैं. ठीक है, तो यू कैन डू इट योर सेल्फ. ठीक है, होप आपको जो है आज का लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.